Hello viewers, this is your computer mentor CS and welcome back to all at my YouTube channel Computer Learning with CS. दोस्तों जो मेरी सीरीज चल रही है फंडामेंटल कंप्यूटर लर्निंग की, इसके साथ में बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, तो इस चैनल पे मैं एक सीरीज और शुरू करने जा रहा हूँ आज से, और वो हम सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ वेरी वेरी असेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस, और वो है इंटरनेट सिक्योरिटी, और हम कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी. तो साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वी आर लिविंग इन ए न्यू वर्ल्ड दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल वर्ल्ड. हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं और आज के जीवन में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है. बिकॉज इंटरनेट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी इन एवरी डे लाइफ ऑफ द पीपल एंड इट इज़ ए ग्रेट प्लेस फुल ऑफ वंडरफुल इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ ऑल्सो फ्रॉट विद मैनी डेंजर्स. हम इंटरनेट के हेल्प से आज दुनिया को मुट्ठी में करके बैठे हैं. जब जो जिस देश की सूचना हमें चाहिए हम ले लेते हैं, और बहुत सा इसमें इंजॉयमेंट है, बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बहुत सा ज्ञान है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे खतरे भी हैं जो कि हम नहीं जानते हैं. हम इसके सिर्फ जो एडवांटेज है, जो इसके प्रॉन्स है, वो हम जानते हैं, लेकिन इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है और इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है ये हम नहीं जानते. द प्राइस विच वर हैज़ टू पे वाइल बैंकिंग, शॉपिंग एंड इंटरेक्टिंग ऑनलाइन माइट बी लॉस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन विच कुड लीड हिम और हर गेटिंग इन टू ए वल्नरेबल सिचुएशन. हैंस एवरी वन मस्ट नो हाउ टू बी सेफ वाइल यूजिंग द इंटरनेट. तो इस कंप्लीट सीरीज में हम इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे. इस सीरीज का एक भी वीडियो अगर कोई मिस करता है, इट मीन्स या तो उसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत जानकारी है और या फिर ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू सेफ गार्ड इट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन. कंप्लीट इस सीरीज का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्या है इंटरनेट, और साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी एक ही है, साइबर सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे साइबर क्राइम क्या है, साइबर वर्ड क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर स्पेस क्या है, हैकिंग क्या है, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, फिशिंग क्या है और विशिंग क्या है, इसके साथ साथ मालवेयर क्या है, ट्रोजन हॉर्सेस क्या है. तो ऐसे बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, हम सभी टर्मिनोलॉजीज को जो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती है इनको कवर करेंगे. इसके बाद में साइबर थ्रेट्स क्या क्या है और कितने टाइप के होते हैं, और अभी वर्ल्ड में कौन कौन से जो इमर्जिंग साइबर क्राइम्स हैं वो चल रहे हैं जिनसे कभी न कभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है और वो है हमारा स्मार्टफोन, दैट इज़ ऑल्सो ए कंप्यूटिंग डिवाइस. तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी हो जाता है. टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, कौन कौन से अटैक्स है साइबर से रिलेटेड, उनके बारे में हम जानेंगे. फिर हम जानेंगे कि हैकिंग क्या है और हैकिंग कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी टेक्निक हैकिंग में यूज की जाती है. फिर सोशल इंजीनियरिंग को हम बहुत डीपली जानेंगे, क्योंकि हम में से ऐसा कोई नहीं होगा या बहुत कम होंगे या रेयर होंगे जो सोशल मीडिया को यूज नहीं करता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो बहुत सारी अदर है, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो एंड मैनी मोर. तो हम सोशल मीडिया पे अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हमारा डाटा सुरक्षित रह सकता है, तो हम सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे. फिर है हम डेस्कटॉप सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को, अपने स्मार्टफोन को हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे. फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, और इसके बाद में ब्राउज़र सिक्योरिटी,
और मेनी अदर सिक्योरिटीज जो इससे संबंधित है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे स्मार्टफोन सिक्योरिटी है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैपटॉप और डेस्कटॉप तो सभी के पास नहीं है लेकिन स्मार्टफोन लगभग ऑलमोस्ट सभी के पास है। फिर हम नेट बैंकिंग जो करते हैं वो किस तरह से सेफ नेट बैंकिंग हो सकती है, मोबाइल बैंकिंग हम यूज़ करते हैं उनके लिए क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, हमें किस तरह से सावधानी से मोबाइल बैंकिंग को यूज करना है और क्या क्या साइबर से रिलेटेड हमारे देश में कानून बने हुए हैं, हमें इनके बारे में पूरी जानकारी इस पूरी सीरीज में मिलने वाली है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी इस सीरीज़ के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करें, और इसके अलावा अगर किसी को किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। और सारे वीडियो आपको पूरे देखने हैं जो भी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि ये ऑल द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, तो हमें इनके सभी टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। और अगर आपको टॉपिक से ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो यहाँ से मिल पाएंगे। अभी हम शुरू करते हैं, इस आज के जो लेक्चर है उसके बारे में हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। हमने बहुत बार सुना है साइबर सिक्योरिटी, बट व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी इज कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज साइबर एंड सिक्योरिटी। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड है साइबर, एक है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का मतलब तो हमें पता है सुरक्षा, लेकिन साइबर क्या है? साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क सिस्टम। कंप्यूटर इज नॉट ए सिंगल एंटिटी, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो जो दूसरी सीरीज है कंप्यूटर फंडामेंटल उसमें आपको मिलेगा, जो बेसिक कंप्यूटर की सीरीज चल रही है। तो साइबर मीन्स कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर या सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से चले और उससे काम चले इतना नहीं है, बिना इंटरनेट के बिना नेटवर्क के कंप्यूटर सिस्टम अधूरा है। क्योंकि जिस तरह से हमारे स्मार्टफोन में अगर इंटरनेट नहीं है तो वो कुछ नहीं है। तो साइबर मीन्स हम समझ चुके हैं, साइबर मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क सिस्टम। तो सबसे पहले हम साइबर सिक्योरिटी को तभी समझ पाएंगे जब हमें ये समझ में आएगा कि साइबर का मतलब क्या होता है। तो साइबर का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क सिस्टम, दोनों कंबाइंड रूप से साइबर बनता है। और साइबर सिक्योरिटी अब हम समझ चुके हैं कि इसका मतलब, साइबर का मीनिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क सिस्टम हो गया, तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क सिस्टम। और किस से प्रोटेक्शन? फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्संस। और अनऑथराइज्ड पर्सन कौन है? जो साइबर अटैकर्स है वो अनऑथराइज पर्सन है। तो साइबर सिक्योरिटी का जो मीनिंग है बाय डेफिनेशन, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन और साइबर अटैक्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साइबर सिक्योरिटी को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी। थ्री थिंग्स आर सेम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी वही है, इंटरनेट सिक्योरिटी भी वही है और साइबर सिक्योरिटी भी वही है। अब हमने जाना कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क सिस्टम, तभी साइबर बना है। लेकिन हमें यह जानना है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है और नेटवर्क सिस्टम क्या है, तो आगे हम ये जानेंगे। सबसे पहले है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द डेटा और इंफॉर्मेशन जो उस कंप्यूटर में या कंप्यूटिंग डिवाइस में स्टोर किया गया है, ये होता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के नहीं बनता है, कंप्यूटर सिस्टम
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और उसमें जो इंफॉर्मेशन सेव की गई है, इन तीनों चीजों से मिलकर के कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो वी कैन से द कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। द नेक्स्ट इज नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम क्या है? नेटवर्क सिस्टम है, इट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेज विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू द इंटरनेट। नेटवर्क का मतलब यही है कि इस इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट से एक दूसरे से सारे डिवाइसेज जुड़ी हुई है और इस तरह से एक नेटवर्क के रूप में ये पूरा जाल बनता है और इसी पूरे इंटरनेट के जो जाल है जिसे सारे डिवाइसेज जुड़ी हुई है, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो इंटरनेट को यूज कर रहा है, तो ये सारे डिवाइस कहलाती है क्लाइंट्स। तो नेटवर्क सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट एंड द क्लाइंट्स एंड द नेटवर्किंग डिवाइसेज जिसके थ्रू यूजर और क्लाइंट इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ये पूरा मिलकर के बनता है नेटवर्क सिस्टम। सो आफ्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क सिस्टम, वी कैन से द साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा या इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड ऑन इट एंड द नेटवर्क कंपोनेंट्स फ्रॉम विच द नेटवर्क सिस्टम इज मेड ऑफ फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स और साइबर अटैकर्स। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में क्या आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन। तो साइबर सिक्योरिटी है कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेटा जो उसमें स्टोर किया गया है और जो नेटवर्क कंपोनेंट्स है जिससे नेटवर्क सिस्टम बना है, उन सभी की सुरक्षा और किससे, साइबर अटैकर से, साइबर थ्रेट से, वो साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे के सारे वीडियोज बहुत ही हमारे यूजफुल होने वाले हैं। मैंने सिलेबस आपको दिखा दिया है, तो इट इज माई रिक्वेस्ट कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी से प्यार करते हैं, इफ़ यू लव टू साइबर सिक्योरिटी, देन ऑल द वीडियोज शुड बी वॉच्ड फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको ये चैनल पसंद है जिससे आपको लग रहा है कि वाकई में इसे हमें बहुत ही इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सारे वीडियो कंप्लीट देखिए, तभी आपको कोई कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक्स।